चंद्रपुर जिले के चिमुर तहसील में जहां एक समय कोरोना का नामो निशान नहीं था, मगर आज कोरोना रुग्णों की संख्या में लगातार बढ़त हो रही है। चंद्रपुर जिले में कोरोना के रुग्णों में लगातार बढ़त हो रही है और यह बढ़त चंद्रपुर जिले के अंतर्गत आने वाले विभिन्न तहसीलों में भी हो रही है। चिमुर नगर परिषद क्षेत्र में अभी तक कोरोना रुग्णों की संख्या 15 हो चुकी है और जिसमें कोरोना पॉजिटिव रुग्णों की संख्या एकमात्र गांधी वार्ड में ही 5 होने से यह वार्ड अब हॉटस्पॉट हो चुका है। साथ ही तहसील में भी कोरोना के रुग्णों की संख्या बढ़कर 50 के ऊपर पहुंच चुकी है। साथ ही चिमुर तहसील में भी रुग्णों की संख्या बढ़कर अर्धशतक तक के आसपास पहुंच चुकी है। चिमुर नगर परिषद क्षेत्र में कोरोना रुग्णों की संख्या लगातार बढ़ रही है और अभी तक वडौला पैकू में 2, इंदिरा नगर में 3, गुर्दे वार्ड में 1, बामनी में 2, तिलक वार्ड 1, नेहरू वार्ड 1, गांधी वार्ड में 5 रुग्णों के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई है। गौरतलब है गांधी वार्ड के यह रुग्ण एक ही बिल्डिंग के हैं। तहसील में 3 सितंबर को मिली जानकारी के अनुसार 9 रुग्ण मिले हैं, जिसमें अर्धसैनिक दल के आसाम के कार्यरत मासड़ के 26 वर्षीय पुरुष, 7 वर्षीय लड़का, 39 वर्षीय उसका पिता और दोनों ही गांधी वार्ड के हैं और वे लातूर से आए हुए थे। भंडारा जिले के देवाड़ा से आए हुए नेहरू वार्ड की 65 वर्षीय स्त्री, WCL कॉलोनी के छिंदवाड़ा से आई हुई 48 वर्षीय स्त्री की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। एंटीजन टेस्ट के अनुसार गांधी वार्ड के 60 वर्षीय पुरुष, 24 वर्षीय तथा 36 वर्षीय 2 महिलाएं, WCL कॉलोनी के रहने वाले उमरेड के कोरोना संक्रमित संपर्क के 41 वर्षीय पुरुष को भी रिपोर्ट पॉजिटिव होने की जानकारी उप जिला रुग्णालय के वैद्यकीय अधीक्षक डॉक्टर गोवा भगत ने दी। वही इस संदर्भ में नगर परिषद के अंतर्गत आने वाले रुग्णों के संबंध में जानकारी नगर परिषद के अधीक्षक राजेश चौगुले ने सिटी न्यूज प्रतिनिधि बालू साथी को दी। नगर परिषद क्षेत्रामध्ये कोरोना रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चाललेली आहे। सध्या नगर परिषद क्षेत्रामध्ये 15 कोरोना रुग्ण पॉझिटिव्ह आढळून आलेले आहेत। ऍक्टिव्ह रुग्णांची संख्या नगर परिषद क्षेत्रामध्ये 9 आहे, त्यापैकी 5 इंदिरानगर, 3 इंदिरानगरमध्ये आहेत, तर 5 गांधी वॉर्डमध्ये आहेत। नेहरू वार्डमध्ये 1 आहे आणि टिळक वॉर्डमध्ये 1 आहे। नागरिकांनी स्वतःची काळजी घ्यावी, मास्कचा वापर करावा, विनाकारण घराबाहेर पडू नये, अत्यावश्यक कारण असेल तरच घराच्या बाहेर पडावं, असं नागरिकांना नगर परिषदतर्फे आवाहन करण्यात येत आहे। सार्वजनिक ठिकाणी, भाजीच्या ठिकाणी भाजी घेताना दुकानामध्ये जास्त गर्दी करू नये, याचे पालन करावे। मास्क न वापरणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येत आहे, तर याची नागरिकांनी दक्षता घ्यावी।